हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने मैथ्स की वीडियो आपको दी है उसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2। अगर आप लोगों का उसमें कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज 2.2 में तो नोट डाउन करके रखिएगा, मुझे सेंड करिए, हम लोग उसकी एक अलग सी डाउट्स की वीडियो बनाएंगे और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 2.3 एक्सरसाइज, उसका थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरीके की चीजें बताऊंगा इसमें, देखते हैं कितना हो पाता है आज, और इसके बाद हम आपको होमवर्क करने के लिए देंगे। रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले आप एग्जाम में ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ समझने के लिए। मान लीजिए आप लोगों को टेन से डिवाइड करना है, टेन को डिवाइड करना है बेटा टू से, समझिए मेरी बात। जैसे आप दो नंबर आपस में डिवाइड करते हो, मैंने मान लिया टेन को टू से डिवाइड करते हो, तो कैसे करते हो, टू फाइव जो टेन, टेन से टेन गया जीरो, है ना। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे इस जगह लिखा जाता था उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। आपको याद हो तो पढ़ा होगा बचपन में आपने, जिस चीज से डिवाइड करते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिवीजर। आपने पढ़ा होगा, ये याद होगा, डिवाइड करने पे जो भी इस जगह आता है या फिर यहाँ पर आता है या यहाँ आता है इसको क्या कहा जाता है, कोशेंट। और जो भी यहाँ पे बचता है उसे क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। अच्छे से याद होगा, जैसे यहाँ डिवीजर क्या है टू, डिविडेंड क्या है टेन, कोशेंट क्या है फाइव, रिमाइंडर क्या है जीरो। और आप सबको ये अच्छे से पता है कि जब रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि जो टू है वो टेन का फैक्टर है। टू जो है हम कुछ भी कह सकते हैं, क्या, टू इज अ फैक्टर ऑफ टेन। आपको पता होगा क्योंकि टेन को टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। तो मैं कह सकता हूं कि जो टू है वो टेन का फैक्टर है। उसी तरीके से क्या कह सकता हूं, टू इज अ मल्टीपल ऑफ टेन, एक ही बात है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि टू जो है वो टेन को डिवाइड कर रहा है, उसको रिमाइंडर जीरो आएगा, मल्टीपल, समझते हो ना। उसी तरीके से टू इज, या कह सकता हूं कि टेन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। अगर कहीं भी ये आपको तीन चीजें लिखी मिलती हैं तो तीनों का मतलब एक है, क्या, कि टू इज अ फैक्टर ऑफ टेन, टू इज अ मल्टीपल ऑफ टेन, टेन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टेन को टू से करेंगे डिवाइड तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। इनकी जगह कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो अगर कहीं भी मैंने बोला कि ये इसका फैक्टर है तो समझ जाना उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। मैंने कहीं भी बोला कि थ्री मल्टीपल है नाइन का तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। मैंने बोला नाइन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय थ्री, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक, कि कहीं भी अगर कोई भी फैक्टर मल्टीपल या कम्प्लीटली डिविजिबल लिखा आया तो इट मींस कि उसको टोटली डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो इस बात को सब ध्यान रखेंगे। अब सुनिए आगे का, ये तो बच्चों वाला टॉपिक था। जैसे मैंने बताया, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम लोगों को पॉलिनोमियल्स भी डिवाइड करने होते हैं। जैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 10 को डिवाइड करके दिखाया 2 को, उसी तरीके से हम दो पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करते हैं, जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करते हैं। तो आज हमें यही सीखना है कि जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, और उसी रिमाइंडर को क्या कहा जाएगा जो निकालेंगे, उस जिस मेथड को हम यूज करेंगे उसी मेथड का नाम क्या दिया गया है, रिमाइंडर थ्योरम। आज मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा रिमाइंडर निकालने का, आज एक करेंगे कल एक करेंगे, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात। तो बेटा पॉलिनोमियल की भाषा में हम लोगों को पता होगा जब कुछ ऐसा होता है तो जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक होता है हमारा कि डिविडेंड जो होता है यानी ये वाली वैल्यू जो होती है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर के। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 3 को मैंने डिवाइड करा 10 से, तो 3 जा 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। यहाँ डिविडेंड कितना है बेटा 10,
यहाँ डिवीजर कितना है? थ्री। यहाँ क्वेश्चन कितना आया? थ्री। यहाँ रिमाइंडर कितना आया? वन। अच्छा करके देख लो, टेन इक्वल टू थ्री, थ्री जो है 9 + 1, 10 बराबर आगे नहीं आ गया। तो हम इसी तरीके से हमारा लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमेशा होगा, हमेशा आप कोई भी चीज को डिवाइड करो तो ये जो डिविडेंड होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। ये आपने 6th, 7th, 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं आती ये वाली बात तो मुझे कॉल कर लीजिएगा वीडियो को बीच में पॉज करके, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल की भाषा में बेटा जो डिविडेंड होता है हम उसको क्या मानते हैं? पी एक्स। क्या मानते हैं? पी एक्स। डिवीजर को क्या मानते हैं? जी एक्स। क्वेश्चेंट को क्या मानते हैं? क्यू एक्स। और रिमाइंडर को क्या मानते हैं? आर एक्स। तो आज हम यही रिमाइंडर निकालना सीखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। मैं थ्योरम पूरी नहीं समझाऊंगा, जब मिलेंगे तब अच्छे से करेंगे। अभी मैं सीधा क्वेश्चन समझाऊंगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा समझेंगे हम अच्छे से। फिलहाल हमें ये वाली बात पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की भाषा में डिविडेंट को हमेशा पी एक्स बोलते हैं, डिवीजर को हमेशा जी एक्स बोलते हैं, क्वेश्चेंट को हमेशा क्यू एक्स और रिमाइंडर को हमेशा आर एक्स। जब भी दो पॉलिनोमियल डिवाइड होंगे तो उनका भी डिविडेंट होगा, उनमें से कोई डिवीजर होगा, उनका भी क्वेश्चेंट आएगा, उनका भी रिमाइंडर। डिवाइड करना हम कल सीखेंगे, आज हम केवल रिमाइंडर निकालना सीखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे कि जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ऑफिशियल डिवाइड, जैसे मैंने अभी पूरी डिवाइड करके दिखाया था, दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 3 को 10 से करा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या बचा 1। ये हम कल सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। आज हम केवल ये रिमाइंडर निकालना सीखेंगे, एक शॉर्टकट है, उसी शॉर्टकट को कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम, आज वो सीखेंगे। पूरी तरीके से डिवाइड कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, वो हम कल सीखेंगे। तो सुनिए बेटा, अब आपके सामने मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा कि रिमाइंडर को कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपके पास देखो, पहले बता रहा हूं, ये वाली जो एक्सरसाइज है 2.3, एक बार हमें सिंपल करनी है, एक बार हमें डिवाइड कर करके निकालनी है। तो मैं ये आपको सिखाने वाला हूं, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है? एक एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड, जैसे जैसे करा रहा हूं उसे करते चलिए, और फिर मुझे सबका 2.3 चाहिए होमवर्क में। एक क्वेश्चन है, फाइंड अ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, फाइंड अ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। हमसे क्या कहा गया है कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ना तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ना कुछ और पूछा गया, बस हमसे केवल कितना पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब आपसे केवल रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आपके पास दो तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के। पहला तरीका क्या है बच्चों? कि पूरा पूरा डिवाइड करो। और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको सुनेंगे सभी ध्यान से, मेरी बात सुनिए। आंसर कैसे करेंगे? आपको किसको डिवाइड करना है? ये जो मैंने बताया था पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, वो कल ज्यादा काम आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब समझाएंगे। समझो, जैसे पी एक्स कितना है? एक्स क्यू प्लस 1। डिवाइड किससे करना है? जी एक्स। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो डिविडेंट होता है, जो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंट कहते हैं, उसको हमेशा क्या मान के चलते हैं हम? पी एक्स। जिस चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डिवाइजर। और उसे हम पॉलिनोमियल की भाषा में क्या मानते हैं? जी एक्स। क्या मानते हैं? जी एक्स। डिवाइड करने पे जो क्वेश्चेंट आता है उसे क्या मानते हैं? क्यू एक्स। और जो रिमाइंडर बचता है उसे कहा जाता है आर एक्स। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ किसको डिवाइड कर रहे हो? एक्स क्यू प्लस 1। जिसको डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है डिविडेंट। तो डिविडेंट को हम क्या मानते हैं? पी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? एक्स क्यू प्लस 1। किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं? ऑन डिवाइडिंग दिस बाय एक्स प्लस 1। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स प्लस 1 से। और जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है डिवीजर, और जी एक्स होता है वो। तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स प्लस 1। जब ये इससे डिवाइड होगा, एक तरीके से ऐसे समझो कि यहाँ तो आ गया एक्स क्यूब प्लस 1
और यहाँ क्या आ गया x प्लस वन। जब ये इससे डिवाइड होगा तो जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा। तो एक तरीका तो क्या है कि पूरा पूरा डिवाइड करो, वो हम कल सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। आज मैं केवल आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, उसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसका थ्योरम प्रूफ वो हम जब मिलेंगे तब अच्छे से करेंगे, क्योंकि वीडियो के सहारे वो कम समझ में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी नहीं है उसमें इतना खास। जो बच्चे मेरे फेस टू फेस मिले थे उनको मैंने समझाया भी था, ठीक है, कि रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ क्या था। अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि जिस चीज से भी डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस वन, उसको जीरो के बराबर रख दो, यानी उसकी जीरो निकाल लो। पहला स्टेप क्या है, जिस चीज से भी डिवाइड करना है उसको जीरो के बराबर रख दो, जिस चीज से भी डिवाइड करना है उसको जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर रखने पर कैसे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x प्लस वन इक्वल टू जीरो। जी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस वन, तो उस x प्लस वन को क्या करो, जीरो के बराबर रख दो। अभी ध्यान से सुनेंगे सब, जिसको भी डाउट है वो नोट डाउन करते चलेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे सभी, प्लीज अभी बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, पहले सुनिए, जहां प्रॉब्लम हो हम डिस्कस करेंगे सभी की बात, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, कॉल करेंगे मुझे आराम से। तो यहाँ पर क्या है पहला स्टेप कि जिसको भी जिससे डिवाइड करना है, डिवाइजर क्या है, x प्लस वन, तो उसको जीरो के बराबर रख दो। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। आप खुद देखो, जब x प्लस वन को इससे डिवाइड करना था तो इसको जीरो के बराबर रखा, तो जीरो के बराबर रखने से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। स्टेप टू क्या कहता है, इसके बाद क्या करना है हमें रिमाइंडर निकालने के लिए, इस x की जगह जो भी वैल्यू आई है माइनस वन, वो इस वाले में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहले जीरो निकाल लो। जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो के बराबर रख के, तो x प्लस वन को जीरो के बराबर रखा, कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस वन। फिर उस वैल्यू को जो गिवन पॉलिनोमियल है, जिसको भी डिवाइड करना है हमें, इसको डिवाइड करना था x क्यूब प्लस वन को, उसमें पुट कर दो। तो पी एक्स कितना दे रखा है, x क्यूब प्लस वन, x की जगह क्या पुट कर दो, माइनस वन, माइनस वन का क्यूब प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो आप खुद देखिए, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो। जब भी आप एक्स प्लस वन से एक्स क्यूब प्लस वन को डिवाइड करोगे तो जहां रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो ही आएगा। वो हम कैसे आया वो हम कल सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। अभी हमने केवल क्या निकालना सीखा है कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन है और जिससे भी डिवाइड करना है दोनों को लिखो। जिससे भी डिवाइड करना है, जो जी एक्स होगा उसकी पहले जीरो निकाल लो। जैसे जी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वन, जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो के इक्वल रखे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, उस माइनस वन जो आया है वो जिसको भी डिवाइड कर रहे थे उसमें पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दिया, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। यही तो कहता है रिमाइंडर थ्योरम, कि जब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि जिसको भी डिवाइड करना है, जिससे भी, पहले उसकी जीरो निकालो और जो भी वैल्यू आई है उसको पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यही हमें आज सीखना था, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कैसे करा, अब तो मैंने पहले बताया ना, रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया सिंपल सिंपल आसान से, और दूसरा क्या है, पूरा पूरा डिवाइड करो कि यहाँ पर भी कुछ लिखा आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, हमने चेक कर लिया है। तो वो हम सीखेंगे कल कि डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे आप नंबर्स को डिवाइड करते हो कि मान लीजिए यहाँ थ्री होता है, यहाँ टेन होता है, तो थ्री थ्री जा नाइन, वो हम कल सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। अभी हमने क्या सीखा है, केवल ये रिमाइंडर निकालना, इससे हमें क्वेश्चन तो नहीं पता चल सकता, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमें पता नहीं चल सकती इस मेथड से। इस मेथड से हमें केवल क्या पता चलता है, उसका रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी को आगे चलते हुए क्वेश्चन और करेंगे, जिसको भी नोट डाउन करना है वो बाद में नोट डाउन करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसका 2.3 करा दूंगा, 2.3 फिर हम दोबारे करेंगे, जिसमें दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड मतलब डिवाइड कर करके, पहले किससे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। फिर मैं कह रहा हूँ इसलिए करना है क्योंकि टेंथ में डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, तो वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो अभी तो आपको रिमाइंडर से करनी है 2.3, फिर उसके बाद जब हम कल नया मेथड सीख लेंगे वो सारे क्वेश्चन न्यू मेथड से करेंगे, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है उसमें बस। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर
इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको भी डिवाइड करते हैं उसको क्या मानते हैं, px। किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो px की वैल्यू क्या आ गई, x4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो यही तो बताया, px किसको मानते हैं, जिसको भी हमें डिवाइड करना होता है, डिविडेंट को। तो यहाँ डिवाइड इसको करना है उसको px, जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर कहते हैं, और उसको हम क्या मानते हैं, gx। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1। तो क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं हम, अभी जो हमने सीखा है रिमाइंडर, डिवाइड नहीं कर रहे हम, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, ये हर बार लिखना है आपको, बाय रिमाइंडर थ्योरम, सुनिए ध्यान से, बाय रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिससे भी डिवाइड करना होता है, जिससे भी डिवाइड करना होता है उसकी जीरोस निकालते हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरो के बराबर रख के। तो जी एक्स को जीरो के बराबर रखो, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 1 को जीरो के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब स्टेप 2 क्या होता है, पुट एक्स इक्वल टू 1 इन पी एक्स, जिसको भी डिवाइड करना होता है। इससे डिवाइड करना था तो पहले इससे x की वैल्यू निकाल ली जीरो के बराबर रख के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब उस 1 को इस वाले में रख दो, px में रख के देखो, p x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। x की जगह 1 पुट करना, 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 2। ये कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो और आप जब भी इसको डिवाइड करोगे ना, जो हम कल सीखेंगे इसको इससे डिवाइड करके, तो आप चेक करना रिमाइंडर 2 ही आएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम कल डिवाइड से भी करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस दोबारा करेंगे, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हम पूरा डिवाइड कर करके देखेंगे एक एक चीज। अभी तो हम केवल क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर, शॉर्टकट लगा रहे हैं केवल रिमाइंडर निकालने के लिए, क्योंकि हमसे केवल क्या पूछा गया है, रिमाइंडर। अगर यहाँ पे लिखा जाता फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो फिर तो आपको मजबूरी में डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि इस मेथड से तो केवल रिमाइंडर निकलता है, कोशेंट तो निकलता ही नहीं है। तो कोशेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिविजन मेथड सीखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, वो हम कल सीखेंगे। लेकिन अभी रिमाइंडर है तो हमने रिमाइंडर निकाल दिया। ठीक है, आगे सुनिए, ये हमारा समझ में आया, और भी एग्जाम्पल करेंगे इसके, फिर हम आप लोगों के डाउट्स लेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, वीडियो देखिए अगर जहां भी पॉइंट वीक हो रहा हो आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है एनसीईआरटी का, चेक, दिस इज 2.3, चेक वेदर द पॉलिनोमियल, चेक वेदर द पॉलिनोमियल। अब यहां पे उन्होंने पहले से ही नाम दे दिया है क्यूटी, तो इसलिए हमें कुछ भी लैड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर केवल पॉलिनोमियल होता तो हम इसे क्या मानते, पी एक्स। मगर पहले से उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया तो कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे उतारे चले जाओ। माइनस टी माइनस 1 इज अ मल्टीपल, इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। आपको याद है आज सबसे पहले मैंने यही बताया था कि अगर कहीं भी मल्टीपल लिखा है, कहीं भी क्या लिखा है, फैक्टर लिखा है, कहीं भी कंप्लीटली डिविजिबल लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आना चाहिए, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये मल्टीपल भी कह सकते हैं, फैक्टर भी, और कंप्लीटली डिविजिबल भी, एक ही मतलब है। तो हमें चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल इससे मल्टीपल है या नहीं, तो हम रिमाइंडर निकाल के देखेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। अभी पढ़ाया था मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, हेयर
इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस 3-1। ठीक है, जी टी हम मानते हैं ना, मैंने बताया जी एक्स मानते थे, लेकिन यहाँ टी है तो टी मान लिया, कितना दे रखा है 2t+1। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय आरटी, आरटी का मतलब रिमाइंडर थ्योरम। पहले इस जी टी को जीरो के बराबर रख दो, है ना, मैंने बताया था जिससे भी डिवाइड करना होता है उसे जीरो निकालनी होती है, जीरो के बराबर रख के 2t+1 इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू माइनस 1/2। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं अपने आप टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1/2। अब इस टी को इसमें पुट कर देंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, अभी तो सिखाया मैंने, तो क्यू ऐसी रहा, टी की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1/2। 4 माइनस का 1/2 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, जहां जहां टी है वो यहां पुट कर दिया, माइनस माइनस का 1/2 माइनस 1, 4 टी का क्यूब, टी का क्यूब प्लस प्लस 4 टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्योंकि टी की वैल्यू यही है, माइनस माइनस टी की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस 1/2 माइनस 1, 4। अब आधे बच्चे इसे काट देंगे, नहीं मैंने पढ़ाया था बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 4, माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस 1 की माइनस 1 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, यहाँ प्लस का क्यों आया क्योंकि पावर इवन है, आप लोगों ने सीखा होगा ये बहुत सॉल्व करना। अब काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस 1/2, 4 से 4 कट गया, प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या नाम था पॉलिनोमियल का, जी टी, तो इसलिए ये इसका गिवन पॉलिनोमियल है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका मल्टीपल है, क्योंकि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0। मैंने अभी पढ़ाया था जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ये आया समझ में। अब इसी के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल करा दिए, बस डिवाइड वाले छोड़े वो हम कल करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, आपको मैं एक पार्ट समझाऊंगा बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं, अभी बता देता हूँ पहला, और फिर इनको हम दोबारे से करेंगे किससे, नए मेथड से, जिसमें हम क्वेश्चन भी निकालते हैं रिमाइंडर दोनों निकालते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 इज डिवाइडेड बाय, पहला पार्ट क्या है x प्लस 1, दूसरा पार्ट क्या है, या मैं दो पार्ट करके दिखा देता हूं, एक पहला और एक तीस एक फोर्थ, आपके पांच पार्ट है, मैं फोर्थ चार पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। इसके फाइव पार्ट्स हैं, ठीक है, फाइव पार्ट्स हैं, बाकी आपको खुद करना है। मैं फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूं बस, क्योंकि फर्स्ट भी आसान है, फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको खुद करना है, अभी बता दिया है होमवर्क में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले करते हैं फोर्थ पार्ट, लेट जिसको भी डिवाइड करना है उसको क्या मानते हैं बच्चों, पीएक्स, आपको याद हो तो मैंने यही बताया था, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, जिससे डिवाइड करना है फोर्थ पार्ट में, किससे डिवाइड कर रहे हैं x प्लस पाई से, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस पाई, है ना, इससे लिखा है ना डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, यानी इसको इससे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करते हैं उसे px, जिससे करना होता है इसे gx, ये डिविडेंट ये डिविजन, तो बाय rt रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले gx को जीरो के बराबर रखते हैं, यानी x प्लस पाई को जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई, क्योंकि प्लस पाई इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस पाई। अब क्या है,
पुट कर दो, पुट x इक्वल टू माइनस पाई इन पी एक्स, पी ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या पुट कर दो माइनस पाई, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है माइनस पाई, माइनस पाई का होल क्यूब x की जगह पुट कर दिया, प्लस थ्री माइनस पाई का होल स्क्वायर x की जगह पुट कर दिया, प्लस थ्री माइनस पाई प्लस वन, देखो जगह जगह x की जगह पुट कर दिया, x की जगह पुट कर दिया, x की जगह पुट कर दिया, माइनस पाई का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, क्योंकि पावर ऑड है, माइनस पाई की माइनस पाई में करेंगे माइनस पाई में, तो माइनस पाई क्यूब, प्लस माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर, और जब प्लस पाई स्क्वायर की थ्री में करेंगे तो दैट इज थ्री पाई स्क्वायर, खुद करके देखो माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और उसके थ्री में करेंगे तो थ्री पाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का थ्री पाई प्लस वन, दिस इज द आंसर। अरे खत्म क्वेश्चन खत्म, ये इसका रिमाइंडर आएगा जब हम कल डिवाइड करके देखेंगे, तो चेक कर लेना चाहे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो इसका, ये आपको दोबारा से करके मुझे सेंड करना है। आप कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट, इस केस में किससे डिवाइड करना है, 5 प्लस 2x से, तो वही पहला स्टेप क्या है, जी एक्स को जीरो के बराबर, 5 प्लस 2x को जीरो के बराबर, 2x को रखेंगे तो ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, x के वैल्यू माइनस 5 बाय 2, अब इसमें x की जगह माइनस 5 बाय 2 पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस 5 बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा, वही क्या होगा आपका रिमाइंडर, आप इसलिए इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी इसकी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको तो मान लेंगे पी एक्स, और इसको क्या मान लेंगे जी एक्स, इसको जीरो के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को उसमें पुट कर देंगे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो रिमाइंडर निकालेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो 2.3 आपको पूरी तरीके से करके लानी है, एक एक क्वेश्चन, जो भी डाउट है मुझे ग्रुप पे शेयर करिए, फिर हम कल सबसे पहले उन्हें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तो हमने बच्चा सा छोटा सा टॉपिक सीखा है रिमाइंडर थ्योरम की, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना, कोई डाउट है तो वीडियो बार बार देखो, कॉल करो जहां जिस पार्ट में भी दिक्कत है, ठीक है, और मुझे बताएंगे फिर जहां भी दिक्कत है। ये होमवर्क आपका 2.3 है। तो आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू क्लास।